बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर एम ए बेग, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ ममता इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन हैदराबाद, और हमारे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन साहब डॉक्टर मणिकंठ राव साहब नौ दिल्ली से आए यहाँ पर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन तेलंगाना स्टेट में ये फर्स्ट टाइम है, यानी कि 4 ईयर्स से जो से ये इंस्टीट्यूट तो ओपन हो गया है, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से हो चुका है ये, और जो से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी मान्यता दी और इसकी रिकग्नाइजेशन किया है, और MCI वाले भी इसको जो से ये करे। और अल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ साथ हमारे को CMACD भी जो है परमिशन है, और ये नो हरासमेंट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। और ये UGC से भी जो है परमिशन लेटर है। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस CMACD इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। और आयुष वाले को, आयुष वालों का भी है। ये आयुष वालों को, और ये जो सर CMACD के ऑर्डर कॉपी है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में ये रिकग्नाइजेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये और जितने भी यहाँ से लोग स्टूडेंट्स है और न्यू बैचेस भी आ रहे, एडमिशन्स हो रहे भी, और जितने भी तालिबा जो से यहाँ से पास किए हैं वो लोग अपने अपने क्लिनिक्स चला रहे हैं विदाउट एनी इलीगल तो नहीं है, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी भी नहीं है। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन ये है कि यू कैन डू इन प्रैक्टिस इन द मैक्सोपैथी। ये है कि आप जो से यूनानी या हर्बल या बेसिकली इन जितने भी यहाँ से लोग स्टूडेंट्स है और न्यू बैचेस भी आ रहे, एडमिशन्स हो रहे भी, और जितने भी तालिबा जो से यहाँ से पास किए हैं वो लोग अपने अपने क्लिनिक्स चला रहे हैं विदाउट एनी इलीगल तो नहीं है, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी भी नहीं है। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन ये है कि यू कैन डू इन प्रैक्टिस इन द मैक्सोपैथी। ये है कि आप जो से यूनानी या हर्बल या बेसिकली इन एलोपैथी में, ठीक है, ये जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन का है। ये अभी इसको अवेयरनेस दे रहे हैं, अभी मालूम नहीं है। जो RMPs डॉक्टर्स बोलते हैं अभी, वो लोग को अभी गवर्नमेंट ट्रेनिंग देने के अंदाज़ा आया, अभी नहीं दिए उनको, शायद देंगे या नहीं देंगे। लेकिन वो लोग ये जो से अपना अल्टरनेटिव मेडिसिन का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते, इसकी ट्रेनिंग है, इसको 6 मंथ की ट्रेनिंग हम देते, फिर जो से थ्योरी और प्रैक्टिकल दो मिला के 1 ईयर होता है। 6 मंथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, 6 मंथ जो से थ्योरी है, 1 साल के बाद जो है ये सर्टिफिकेट इशू करता है एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ द नॉलेज इन द प्रैक्टिशनर्स। जैसा 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस है आपको, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप प्रैक्टिस तो कर रहे लेकिन विदाउट सर्टिफिकेट कर, तो उसके लिए ज़रिए जो है हम लोग जो है ये ट्रेनिंग दे के, ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऑर्डर से, इसके ज़रिए हम लोग ये काम करते हैं। सर उनसे एक सवाल हम ये पूछ देंगे, जो भी स्टूडेंट्स आपके पास जाए होते हैं जो सर्टिफिकेट रिसीव करने है ट्रेनिंग के बाद में, तो वो लोग क्या अपने नाम से पहले डॉक्टर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं डॉक्टर, परमिशन होता है? हाँ परमिशन होता है। अच्छा, एक और ये रिकग्नाइज है? हाँ रिकग्नाइज है। और इसकी वैल्यू क्या पूरे तेलंगाना में रहेगी, इंडिया में रहेगी, पूरे ऑल ओवर इंडिया, इवन वर्ल्ड में भी है? अच्छा जी, इसकी वैल्यू बोल रही है। हाँ एक और के ये भी जो भी मतलब जहाँ भी क्लिनिक खोले थे डॉक्टर्स, ये भी,
तो वो लोग जो इंग्लिश मेडिसिन होते हैं उसके साथ वो एलोपैथिक दे सकते हैं। हाँ, उसके लिए जो है जैसे आरबी WHO का जो है एक प्रिस्क्रिप्शन है कि उसमें सेलेक्टेड मेडिसिन जो है जो प्राइमरी एसेंशियल होनी चाहिए वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। अभी आज आप हैदराबाद आए हैं तो यहाँ के जो इंस्टीट्यूट वगैरह इंस्पेक्शंस किए हैं, हाँ, तो आपको कैसा लगा या फिर जो यहाँ की जो ट्रेनिंग है, यहाँ के जो रूल्स है, मतलब नहीं जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ये फुलफिल करते हैं जी। तो अभी आपकी तरफ से कोई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई टिप्स वगैरह? अभी 142 पैथियाँ हैं जो किसी भी जैसे हर्बल हो गया, यूनानी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, एकोपंक्चर, एकोप्रेशर, हाँ, लीप थेरेपी, आप ये क्या कहते हैं हिजामा थेरेपी वगैरह से भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे बहुत लाभ, एलोपैथिक एक सिमटा हुआ है लेकिन अल्टरनेटिव काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें उनको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा जी सर। और यहाँ की जो तेलंगाना के स्टेट के जो डॉक्टर्स रिसीव करने के जो सर्टिफिकेट, हाँ, वो अगर कोई अदर स्टेट्स में जाएंगे तो उसको वहाँ पे वैलिड होगा? हाँ, हमारे रजिस्ट्रेशन के आधार पे वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्लिनिक भी उसको खोल सकते, हाँ, क्लिनिक भी खोल सकते हैं जी। और कुछ सर? CMACD का, हाँ, CMACD का हम लोग यहाँ पे इनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो आप एलोपैथिक जनरली क्या होता है कि लोग क्लिनिक खोलते हैं तो वहाँ पे एलोपैथिक की दवाइयों की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो इसके लिए जो है एक CMACD जो पार्टिकुलर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से है के द्वारा ये प्रेस्क्राइब किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका आदेश दिया है, भारत सरकार को आदेश दे ही रखा है, तो उसके माध्यम से भी लगभग 140 मेडिसिन ये जो है प्रेस्क्राइब किया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा CMACD उन प्रैक्टिशनर के लिए जो अल्टरनेटिव का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। अभी और कुछ अपडेट्स अल्टरनेटिव मेडिसिन के जानिब से कुछ चेंजेस किए जाएंगे अभी जैसा कि आने वाले समय में काफ़ी ऑप्शंस हैं जी, काफ़ी ऑप्शंस हैं जो कि हम जैसे कि ट्रेडिशनली वे में अब जो जहाँ का कल्चर है उस कल्चर के हिसाब से भी उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होते हैं इसमें? ऑनलाइन रजिस्टर भी होते हैं और ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं वो। अच्छा। और इवन कि ऑनलाइन एजुकेशन भी है। ओके। और हम लोग इसको और भी बढ़ावा दे रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो। ओके। घर बैठे ही आप लोग उसको? बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके ट्रेनिंग जो है जो जिस स्टेट का है, अब जैसे तेलंगाना का है तो यहाँ पे डॉक्टर MABK के जो क्लिनिक या हॉस्पिटल है यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसको हमारे यहाँ दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है।